नमस्कार दोस्तों, 2024 के नीट एग्जाम ने इतिहास बना दिया है। ऐसा इतिहास जो पहले कभी नहीं दोहराया गया। ये ऐसा इतिहास बना है जिसमें आगे जो भी नीट का पेपर होगा, यदि उसमें 100 बच्चे भी 720 में से 720 नंबर ले आए तो आप उन पर डाउट नहीं कर सकते। ये ऐसा इतिहास बना है जिसमें यदि एक सेंटर से अब 10 से 15 बच्चे भी 720 में से 720 नंबर ले लें तो भी हम डाउट नहीं कर सकते। ये ऐसा इतिहास बना है जिसमें यदि बच्चा ईमानदारी से मेहनत करके 670 नंबर भी ले आए 720 में से, तो भी वो ये उम्मीद नहीं कर पाएगा कि उसका सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो जाएगा। कमाल का इतिहास बना है 2024 के नीट के पेपर का। पहले बच्चों को ये उम्मीद होती थी कि 610 से 620 के बीच में नंबर आ गए, ये बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी की, तो उसका सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो जाएगा। अगर बात करें रिजर्व कैटेगरी की एससी की, तो 500 के आसपास नंबर लेने वाला बच्चा ये उम्मीद करता था कि उसको सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलेगा, क्योंकि अब तक मिलता आया है। एसटी कैटेगरी में तो 500 से थोड़े नीचे नंबर आने पर भी ये उम्मीद होती थी कि सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन पहले के सारे इतिहास को बदलते हुए इस बार जनरल कैटेगरी में 650 नंबर लेने वाले बच्चे को भी सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो शायद 560 या 570 नंबर लेने वाले बच्चे का भी इस बार सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 550 नंबर लेने वाला बच्चा भी ये उम्मीद नहीं कर रहा कि उसको सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में ये गजब का इतिहास बना है कि एक ही साल में मेरिट की इतनी ऊंची छलांग लग गई। जब नीट 2024 का 4 जून 2024 को रिजल्ट आया तो चारों तरफ नीट का पेपर देने वाले बच्चों में खलबली मच गई। खलबली इसलिए कि 640 नंबर लेने वाला बच्चा जो ये उम्मीद कर रहा था पीछे के रिकॉर्ड को देखते हुए कि उसका रैंक 7 या 8 हजार मैक्सिमम आएगा, उसका रैंक आया 39,000। ये एक बच्चे की बात नहीं है, 670 नंबर तक लेने वाले बच्चों की उम्मीदें धराशाही हो गई रैंक को लेकर के, क्योंकि इतनी नीचे रैंक कभी नहीं आई 650 नंबर लेने वाले बच्चे की, 640, 630 नंबर लेने वाले बच्चे की, जितनी इस बार आई थी। इसीलिए धांधली की आशंकाओं ने जन्म लिया और बच्चे रीनीट की मांग करने लगे, क्योंकि पीछे का सारा रिकॉर्ड देखते हुए, पेपर कितना कठिन था ये भी देखते हुए, ये लग रहा था कि बड़े स्तर पर धांधली हुई है, क्योंकि बिना धांधली के इतनी मेरिट जंप नहीं हो सकती। लेकिन दूसरी तरफ सरकार ये मानने को तैयार नहीं थी कि नीट का पेपर लीक हुआ है। मंत्री जी ने डिनाई कर दिया कि ऐसा कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन जब विरोध बढ़ा तो धीरे धीरे परतें खुलने लगी। पुलिस ने जांच की और पाया कि बिहार में पेपर लीक हुआ, गुजरात में पेपर लीक हुआ, तब जाके मंत्री जी ने माना कि पेपर लीक तो हुआ है पर लोकलाइज्ड है। एक तरफ बच्चे विरोध कर रहे थे, रीनीट की मांग कर रहे थे, लाखों बच्चे न्याय की गुहार लगा रहे थे, तो दूसरी तरफ सरकार लगातार ये कह रही थी कि नीट का पेपर बड़े स्तर पर लीक नहीं हुआ है, ये लोकलाइज्ड है। भले ही सबूत मिल रहे थे, लेकिन उन सबूत के आधार पर यही कहा गया कि लोकलाइज्ड पेपर लीक है। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट के आगे पूरा सरकारी तंत्र, जिसमें एनटीए भी शामिल है, ये साबित करने में लगे रहे कि ये पेपर लोकलाइज्ड है, और अंत में ये साबित हो भी गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि नो रीनीट, केवल 155 बच्चों को लाभ मिलता दिख रहा है, पेपर लीक केवल 155 बच्चों तक पहुंचा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माना गया। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पीछे कहा था कि यदि 0.001% भी परीक्षा की सैंक्टिटी यानी कि परीक्षा की पवित्रता यदि भंग होती है तो रीनीट होना चाहिए, ये दूसरे बच्चों के साथ अन्याय है। लेकिन इस बार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये मानने के बावजूद कि 155 बच्चों को अनड्यू लाभ पहुंचा है यानी कि पेपर लीक हुआ है, ये कहते हुए नीट को दोबारा करवाने से मना कर दिया कि बड़े स्तर पर परीक्षा की पवित्रता भंग होती नहीं दिख रही। जितने भी वकील सुप्रीम कोर्ट में ये मांग कर रहे थे कि रीनीट होना चाहिए, सबूत भी दे रहे थे कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने यही माना कि पेपर बड़े स्तर पर लीक नहीं हुआ। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो अब कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि हम सरकार का विरोध कर सकते हैं, बच्चे शुरुआत से कर रहे थे, हम सरकारी तंत्र का विरोध कर सकते हैं, सरकार की गतिविधियों का विरोध कर सकते हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देता है तो फिर
कोई विरोध नहीं कर सकता। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से न्याय करती है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो उसके आगे कोई विरोध करने की गुंजाइश बचती नहीं। ये तो एक पहलू हुआ, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है मीडिया में भी रीनीट के लिए खबरें आनी बहुत कम हो गई है या लगभग बंद हो गई है। जैसा बताया कि सुप्रीम कोर्ट यदि फैसला दे तो आगे गुंजाइश नहीं बचती। लेकिन दूसरी तरफ वो बच्चे जो रीनीट की मांग कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे, वो बच्चे क्या करें जिन्होंने जनरल कैटेगरी में 600 से लेके 650 या 60 तक ईमानदारी से नंबर लिए हैं, वो बच्चे क्या करें जिन्होंने एससी कैटेगरी में 500 से लेकर 600 नंबर तक ईमानदारी से नंबर लिए हैं, वो बच्चे क्या करें जिन्होंने एसटी कैटेगरी में 450 से 550 तक ईमानदारी से नंबर लिए हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जितने नंबर कैटेगरी वाइज हैं, इतने नंबर में पीछे इतिहास में सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलते आए हैं, लेकिन इस बार नहीं मिल रहे। ये बच्चे पूछ रहे हैं कि ऐसी हमसे क्या कमी हो गई कि इतने अच्छे नंबर लेने के बावजूद भी हमसे इतने बच्चे आगे निकल गए, एक एक सेंटर से कई कई बच्चे मेरिट लिस्ट में आ गए, ऐसा क्या हुआ? और जब दूसरी तरफ सबूत भी मिल गए, सीबीआई ने पेपर लीक करने वालों को पकड़ भी लिया है, जांच अभी चल रही है, तो ऐसे में बच्चे जानना चाहते हैं, पूछ रहे हैं, यदि भविष्य में ये साबित हो गया कि ये पेपर बड़े स्तर पर लीक हुआ है तो फिर उनकी मेहनत का क्या होगा? अभी तो जांच चल ही रही है, जांच कंप्लीट भी नहीं हुई है। और बच्चे ये भी जानना चाहते हैं कि भले ही सुप्रीम कोर्ट में ये स्थापित ना हो पाया हो कि बड़े स्तर पर पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन ये कैसे तय हो गया कि जो पेपर है वो बड़े स्तर पर नहीं पहुंचा होगा, इसकी संभावना जीरो कैसे हो गई? ये सब सवालों के जवाब वो बच्चे मांग रहे हैं, और शायद उनके सवाल अनुत्तरित रह जाएंगे क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है। अब आगे बच्चों की किस्मत ही फैसला करेगी कि जिन्होंने 2024 में कड़ी मेहनत करते हुए ईमानदारी से उतने नंबर लिए थे जितने नंबर पर इतिहास में सरकारी मेडिकल कॉलेज शर्तिया तौर पर मिलता रहा है, उन बच्चों को इंसाफ कैसे मिलेगा, ये तो अब किस्मत ही तय करेगी। लेकिन यहाँ आपको एक चीज और बता दें कि पीछे के 6-7 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हर साल कट ऑफ जो है वो 5 से 6 या 7 या 8 नंबर ऊपर जा रही थी। यानी कि यदि 2022 में 597 नंबर पर अंतिम एडमिशन हुआ जनरल कैटेगरी का सरकारी मेडिकल कॉलेज में, तो 2023 में 607 नंबर पर हुआ। यानी कि 5 से 7-10 नंबर की मेरिट की कट ऑफ बढ़ना तो नेचुरल हो सकता है, लेकिन 40 से 50 नंबर की कट ऑफ की छलांग ये बच्चों को गले नहीं उतर रही। लेकिन फैसला आ चुका है, माननीय सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि नो रीनीट। अब आगे क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन 2024 के नीट के पेपर ने इतिहास तो बना ही दिया है इस परिप्रेक्ष्य में कि आगे आने वाले पेपर में ईमानदारी से मेहनत करने वाले बच्चे हमेशा शंकित रहेंगे कि उनकी मेहनत का उन्हें उचित रिजल्ट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।